बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साउंड ऑफ वावल। डियर स्टूडेंट, हरूफ इल्लत की तादाद 5 है। फर्स्ट लेटर हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू। ए का इस्तेमाल हम जान चुके हैं, आज हम ई का इस्तेमाल। ई एंड फर्स्ट कंडीशन। ई वर्ड के शुरू में आए तो अलिफ की आवाज़ देता है, मसलन एग, अंडा। एंड इख्तिताम, एक्स, साबिक। फर्स्ट वर्ड में फर्स्ट लेटर जो हमारे पास ई है, अलिफ की आवाज़ दे रहा है। सेकंड वर्ड में भी अलिफ की आवाज़ दे रहा है और थर्ड वर्ड में भी ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है। डियर स्टूडेंट, आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। ई एंड सेकेंड कंडीशन। ई अगर वर्ल्ड के दरमियान में आए तो बड़ी एक आवाज़ देता है, मसलन बेड, बिस्तर, पेन, कलम, नेट, जाल। फर्स्ट वर्ड में हमारे पास बी के बाद जो ई आया हुआ है, बड़ी एक आवाज़ देता है। पेन में पी के बाद जो ई आया हुआ है, बड़ी एक आवाज़ दे रहा है। नेट में एन के बाद जो ई आया हुआ है, बड़ी एक आवाज़ दे रहा है। ई एंड थर्ड कंडीशन। ई अगर वर्ल्ड के आखिर में आए तो छोटी ए की आवाज़ देता है, मसलन शी, वह, ही, वह, बी, होना। फर्स्ट वर्ल्ड में हमारे पास लास्ट में जो ई आया हुआ है, छोटी ए की आवाज़ दे रहा है। ही में लास्ट जो ई आया हुआ है, छोटी ए की आवाज़ दे रहा है। इधर बी लास्ट वर्ल्ड हमारे पास, लास्ट ई जो आया हुआ है, बी, ई जो है ना, छोटी ए की आवाज़ दे रहा है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस